शादी ब्याह के सीजन में रीवा में चोरों ने एक बार फिर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है, जिससे चोरी की वारदातों में फिर से इजाफा होने लगा है। रीवा में बीते दिवस शादी में शामिल होने गए एक्स आर्मी मैन के घर में चोरों ने धावा बोलते हुए लाखों कीमती सोने चांदी के जेवरात सहित नकदी रुपए पार कर दिए। हैरानी की बात यह है कि चोरों ने वारदात को इतनी सफाई से अंजाम दिया कि पीड़ित परिवार को घर वापस लौटने के भी घटना की जरा भी जानकारी नहीं लगी और 3 दिनों बाद जब अलमारी का लॉकर खोलकर देखा तो पूरा का पूरा लॉकर साफ था और उसमें रखे सोने चांदी के गहने समेत नकदी रुपए गायब मिले। फिलहाल घर में हुई चोरी की इस घटना की जानकारी होते ही पुलिस पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी और थाने पहुंच चोरी की शिकायत दर्ज कराई। दरअसल चोरी का यह हैरान कर देने वाला मामला शहर के बिछिया थाना क्षेत्र गोपाल नगर का है। जानकारी के मुताबिक गोपाल नगर निवासी सुरेश चंद्र तिवारी सेना से रिटायर्ड होने के बाद वन विभाग में सेवारत है। बताया गया कि 21 नवंबर को उनका पूरा परिवार शादी में शामिल होने बाहर गया हुआ था और 24 को वापस अपने घर लौटा। पीड़ित परिवार को घर लौटने के बाद घर में हुई चोरी के घटना की कोई जानकारी नहीं थी और परिवार में सब कुछ सामान्य था, लेकिन 3 दिन बाद यानी 27 नवंबर को जब अलमारी का लॉकर खोला गया तो पूरा का पूरा लॉकर साफ था और उसमें रखे गहने व नकदी रुपए गायब थे। पीड़ित परिवार की माने तो लाखों कीमती सोने चांदी के जेवरात सहित 60,000 रुपयों की नकदी पार किए गए हैं। फिलहाल पीड़ित द्वारा मामले की शिकायत बिछिया थाने में की गई है, जिस पर पुलिस ने मामले को जांच में लिया है।